शासकीय तरफ से वे अपना जवाब दें। आज एक हमारे सदस्य ने जीतू पटवारी ने कई मुद्दे उठाए, राज्यपाल के अभिभाषण पर कई मुद्दे उठाए, कई मुद्दे उठाए, बोलते रहो। इन मुद्दों में से था कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसका सबूत नहीं था, ये ऐसे मुद्दे थे जिसका जवाब विधानसभा में दिया गया। और मैं तो कहता हूं सबसे बड़े गवाह तो आप लोग हैं, आप लोग विटनेस थे। इन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यालय में शासकीय पैसा से खाना खिलाया जाता है, ये जीतू पटवारी ने नहीं कहा, ये तो एक प्रश्न के जवाब में था, एक प्रश्न के जवाब में था जो यहाँ है, ये सब है। दूसरी चीज इन्होंने उठाई कर्जे की, कि इतना कर्जा और जो कर्जा लिया गया है 3 लाख लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का, और इसमें 75 करोड़ रुपए प्रतिदिन का कर्जा का ब्याज लग रहा है, ये 24,000 करोड़ रुपए प्रति साल का ब्याज है। आप सबने अखबारों में देखा कि रिजर्व बैंक ने नीलामी का नोटिस लिया, नीलामी करी संपत्ति के लिए, ये कर्जा किस लिए लिया जा रहा है? हमारा तो प्रश्न है ये कर्जा किस लिए लिया जा रहा है, कि बड़े बड़े ठेके दें, इन ठेकों में एडवांस दें और एडवांस से अपनी कमीशन लें। ये जीतू पटवारी जी ने मुद्दे उठाए, इन्होंने कहा कि इतने करोड़ रुपए का हवाई जहाज का खर्चा हुआ। इस पर जवाब देने की जगह ये जो पहले से तय करके आए थे, और ये मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, इन्होंने पहले से तय किया था कि ये हम सत्र नहीं चलने देंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इन्होंने व्यवधान पैदा किया। और हमारे अध्यक्ष जी जो निष्पक्ष होने चाहिए उन्होंने इनका निलंबन किया। इसका मतलब ये सांस घोटना चाहते हैं, हमारी आवाज़ घोटना चाहते हैं, हमारी आवाज़ घोटना चाहते हैं, हमें बोलने नहीं देना चाहते। इनकी योजना है कि सत्र नहीं चलना, सत्र क्यों नहीं चलना, कि हम ये प्रश्न पूछेंगे। अभी हम राज्यपाल के अभिभाषण में, उसके बाद बजट पर ये खुलासा होने जा रहे हैं, ये सब चीज़ों का खुलासा होगा, ये सुनना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि ये इन सब चीज़ों का खुलासा हो। तो आज इसीलिए मध्य प्रदेश के लिए बहुत दुखद का दिन है, हमारे संविधान के लिए, हमारे प्रजातंत्र के लिए, कि ये एक सदस्य का निलंबन करना ये इशू नहीं है, आवाज़ घोटना ये इशू है, कि आप कुछ बोलिए मत हमारे बारे में, हमारा कोई खुलासा मत करिए, ये इनका इशू है। और सत्र चले या नहीं चले हमें इससे मतलब नहीं, बहाना ढूंढ रहे हैं कि सत्र को समाप्त करने के लिए, असली लक्ष्य इनका ये है। तो आज हमारे विधायक दल ने ये तय किया है कि हम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और कल इस पर बहस हो जाए, लोकसभा और विभिन्न विधानसभाओं में उदाहरण है, कल इस पर खुले रूप से बहस हो जाए, ये हम कल अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।